32 पॉजिटिव थे, अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है वो 36 पॉजिटिव हुआ, उसमें तीन लोग भीलवाड़ा के हैं, एक जोधपुर का है। कुल मिला के भीलवाड़ा में 16 पॉजिटिव केसेस हो गए जो सर्वाधिक है, 8 जयपुर में है। इस तरह से राजस्थान में 36 लोग पॉजिटिव हुए हैं। और जो मकान मालिक हमारे पास ये सूचना आई कि जो चिकित्सा कर्मी या हमारा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ राज्य में जहां कहीं भी किराए के मकानों में रह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल के और कोरोना पीड़ित लोगों को बचाने के काम में लगे हुए हैं, तो उनके मकान मालिक डर के मारे उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप मकान खाली करो, ये अपराध है, राज्य में कानूनन कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ, मेहरबानी करके ऐसा नहीं करें, सहयोग करें। वो लोग लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं और आप डर के मारे उनको घर से निकालना चाह रहे हो, ये गलत बात है। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए का पैकेज इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिया है और एक संकल्प व्यक्त किया है कि मैं राज्य में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरी प्रशासन से, पुलिस से, आम आदमी से ये गुजारिश रहेगी कि मुख्यमंत्री जी के संकल्प को अक्षर से पूरा करने के लिए हमारी तैयारी रहनी चाहिए। राज्य में कोई गरीब आदमी, कोई दिहाड़ी मजदूर